अस्सलामुअलैकुम, मैं रूहानी अमिल। दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब होने से कुछ दिन मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है, और मेरी आवाज़ में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर कोई नॉइज़ डिस्टॉर्शन हो रही है तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मुझे एक बार कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा। मैं सोचा था कि कोई तस्खीर का, कोई हाजरत का अमल पोस्ट करूं, लेकिन वक्त ना मिलने से मैं ये अमल पोस्ट, कोई भी अमल पोस्ट नहीं कर सका। और मैं आज आपको एक ज़ुबान बंदी का अमल पोस्ट कर रहा हूं, और इस वीडियो में आपको एक ऐसा अमल दूंगा जो ज़ुबान बंदी की, जो कोई दुश्मन या कोई बदकलामी आपकी खिलाफ ना बोल सके। और ये जायज़ जगह करना नाजायज़, किसी को ये तकलीफ़ ना दे, इसमें ज़िम्मेदारी नहीं लेता। दोस्तों, ये एक सिर्फ सिंपल आपको ये करना है। अमावस की रात है, परसों दिवाली की रात, आपको ये नक्श दे रहा हूँ। इस नक्श को आप ब्लैक मार्कर या सिटी राइटर से इसको आप क़िबले की तरफ मुँह करके इसे लिखना है, और लोबान जला के, और इसको लिखते वक्त अपने मुँह में काली मिर्च रखना है और इसको लिखना है। जिस तरह ये नक्श बना हुआ है इसी तरह बना लीजिए। और जो कुरान का सूरह बकरा की जो आयत जो लिखी हुई है इसमें, सुम्मुन बुकमुन उम्मीन फहमला यर्जियन, सबसे पहले ऊपर, राइट, लेफ्ट और नीचे बॉटम में इसको पूरा भर लीजिए। और अंदर जो चार फरिश्तों के नाम लिखे हुए हैं, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इज़राइल, इन सब फरिश्तों के नाम लिखने के बाद बाकी सारा जो लिखा है वो पूरा आप कंप्लीट करके नक्श रेडी कर लीजिए। और जो अंदर जो नंबरिंग लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपको जो है जो अरबी नंबरिंग है इसको आप फिल करने के बाद, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये लिखने के बाद अपना नक्श पूरा कंप्लीट करें। ये नक्श पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस नक्श को कैसा इस्तेमाल करें मैं तरीक़ा बताता हूँ। नीचे थोड़ी जगह छोड़े दुश्मन का नाम लिखने की, तो लिखने का तरीक़ा कुछ यूँ होगा, बस तुम ज़बान फला बिन फला अला हुब फला बिन फला के ख़िलाफ़ बंद शुद। इस तरह लिखकर काले कपड़े में जो है फोल्ड करके उसे काले कपड़े में सी दीजिए, और सीने के बाद इसे किसी वज़नदार चीज़ के नीचे रख दें, चाहे वो ग्रेनाइट हो, पत्थर या फर्नीचर हो, उसके नीचे रख दे, दबा दे, ताकि उसके ऊपर पूरा वेट पड़े। ये आपका काम हो गया। मैं फिर से कहता हूँ कि ये अमल जायज़ जगह करे, जो आपका दुश्मन है, वाकई अगर आपका दुश्मन है तो उसके लिए करे, नाजायज़ किसी को तकलीफ़ ना दे। और इस नक्श से और ख़ास बात यह है कि इस नक्श में चार पांच, अगर आपका दुश्मन भी है तो उन सारे दुश्मनों के नाम भी एक साथ डाल सकते हैं, जैसा कि बस तुम ज़बान फला बिन फला व फला बिन फला व फला बिन फला अल्लाह फला बिन फला के ख़िलाफ़ बन शुद। समझ गया अब? बस तुम ज़बान के बाद दुश्मन का नाम आना है, उसके बाद बिन जानिब या अल्लाह, उसके बाद अपना नाम, अपनी माँ का नाम लिखकर के ख़िलाफ़ बन शुद। इस तरह लिख के उस नक्श को फोल्ड करना, फोल्ड करके आप उसको काले कपड़े में सीखे नीचे डाल दे, किसी वज़न चीज़ के नीचे दबा दे, आपका काम हो गया। इंशाल्लाह जो कोई भी दुश्मन हो उसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी। ये है तजुर्बा किया हुआ अमल है, और सबको फ़ायदा दिया है, आपको भी फ़ायदा देगा। और बाकी कोई आपका हाजरत का या तस्खीर का अमल है तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।